नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड किसी भी फिनेकल वर्क या फिर मैकेमिश वर्क के बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को हेड करने वाले हमारे श्री अश्विनी वैष्णव सर के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। तो अभी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, उनको भी वो जो है हेड कर रहे हैं। तो उनकी लाइफ की जर्नी कैसी रही है आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहाँ उनका जन्म हुआ, उनकी स्कूलिंग से लेके उन्होंने क्या क्या काम किया है, आईएएस सर्विसेज में भी उन्होंने अपनी जो है सेवाएँ दी हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य दोस्तों सिर्फ यही है कि आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको कौन हेड करते हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप जो है पूरे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे कोई भी किसके बारे में अगर आपसे कुछ भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कृष्ण सहरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों हम जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको जो रेगुलेट करते हैं, जो हेड करते हैं, हमें उनके बारे में भी पता होना चाहिए। कितने एक्सपीरियंस आदमी हैं, उन्होंने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में किया है, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ जो है उनको स्ट्रगल करके वो आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो श्री अश्विनी वैष्णव जी अभी इनके पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी इनके पास है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी इनके पास ही है। तो इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1970 में, जोधपुर जो है राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान स्टेट है, उसमें जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। तो बहुत ही बेहतरीन सिटी है। बात करी जाए दोस्तों इनकी स्कूलिंग की, तो इन्होंने स्कूलिंग करी है अपनी सेंट एंथनी कॉन्वेंट स्कूल जोधपुर से। तो अपनी स्कूलिंग करने के बाद में दोस्तों इन्होंने अपनी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी है एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से। तो जोधपुर में ये कॉलेज है एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, उनसे इन्होंने अपनी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में दोस्तों इन्होंने जो इनकी ट्रेड थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थी, ईसीई कोर्स किया है इन्होंने। तो 1991 में इन्होंने कम्प्लीट किया है और अपने बैच में इन्होंने गोल्ड मेडल जो है हासिल किया था इस कोर्स में। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो दोस्तों बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में इन्होंने एमटेक करी है मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर से। तो अपनी आईआईटी कानपुर से इन्होंने एमटेक ख़त्म करने के बाद में सिविल सर्विसेज ज्वाइन करी। सिविल सर्विसेज में इनको आईएएस की पोस्ट मिली, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसमें इनका ऑल इंडिया का रैंक 27 आया था। 1994 में इन्होंने जो है आईएएस की सर्विसेज को ज्वाइन किया था। तो इनको सबसे पहले उड़ीसा कैडर मिला था, उड़ीसा कैडर में इनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट मिली थी। तो ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट और कटक डिस्ट्रिक्ट में जो उड़ीसा के अंडर आते हैं उसने कार्य किया है। तो इन्होंने उड़ीसा कैडर में उस पद पे 1994 से लेके 2003 तक इन्होंने आईएएस की सर्विसेज में इन्होंने उड़ीसा में काम किया है। तो उसके बाद दोस्तों इनको डेप्यूटी सेक्रेटरी बना दिया गया था पीएमओ ऑफिस में, उस टाइम पे जो हमारे पीएम थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इनको वहाँ पे डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद में काम करने का मौका मिला था। उसके बाद में दोस्तों 2004 में इनको श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्राइवेट सेक्रेटरी भी बना दिया गया था। तो प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी इन्होंने वहाँ पर काम किया है पीएमओ ऑफिस में। उसके बाद दोस्तों 2006 में इनको मोर्मुगोवा पोर्ट ट्रस्ट यानी कि एमपीटी जो गोवा में है उनको वहाँ का चेयरमैन बना दिया गया था, डेप्यूटी चेयरमैन। तो उन्होंने वहाँ पे 2 साल काम किया है, 2006 से लेके 2008 तक एमपीटी के डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में। तो ये है एमपीटी मोर्मुगोवा पोर्ट ट्रस्ट। उसके बाद में दोस्तों 2008 में इन्होंने एमबीए करने की सोची और एमबीए करने के लिए ये जो है यूएस में चले गए, वाल्ड्रॉन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, इस यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी एमबीए कंप्लीट करी। इसके लिए दोस्तों एजुकेशनल लोन भी इन्होंने लिया था। उसके बाद 2010 में इन्होंने अपनी सिविल सर्विसेज को छोड़ दिया और सिविल सर्विसेज को छोड़ के इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइनिंग कर ली। तो प्राइवेट सेक्टर में जब इन्होंने ज्वाइनिंग करी तो ये जीई ट्रांसपोर्टेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे वहाँ पे इन्होंने काम किया 2010 में। तो वहाँ पे काम करने के बाद में उसके बाद ही यहाँ पे 2010 में ही इनको सीमेंस कंपनी जो थी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वहाँ पे इन्होंने काम किया, वहाँ पे इन्होंने सेवाएँ दी। उसके बाद दोस्तों इनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ है। पॉलिटिकल करियर में इनको जो उड़ीसा से ही एमपी बनाया गया राज्यसभा के, यानी कि राज्यसभा के एमपी थे ये, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उड़ीसा से ही। तो इनकी पार्टी जो थी भारतीय जनता पार्टी थी। तो इन्होंने 2019 में भी टैक्सेशन जो बिल आया था, अमेंडमेंट हुई थी जिसमें, उसका भी इन्होंने सपोर्ट किया था।
और उसके बाद दोस्तों जब 22वीं कैबिनेट रीशफल हुई तो उनके बाद इनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया और इनको जो है 3 मिनिस्ट्रीज दे दी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद में दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर इन्होंने वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कार्य किए। इन्होंने सबसे पहले तो जो ऑफिशियल्स जिससे परेशान रहते थे रूल 38 ट्रांसफ़र से रिलेटेड, जिसकी बहुत ही स्लो प्रोसेस थी, उनको इन्होंने ऑनलाइन मॉड्यूल में शुरू किया, जो प्रोसेस बहुत ही फास्ट हुई। तो रूल 38 ट्रांसफ़र इन्होंने ऑनलाइन शुरू किया ग्रुप बी नॉन गैजेटेड और ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ के लिए। तो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं दोस्तों, डिपार्टमेंट जिनको सौंपा गया है बहुत ही अनुभवी हाथों में है। तो दोस्तों इनका हर एक जो कदम है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए उठाया गया, वो हर एक कदम इनका सराहनीय है। हम इनके जो भी फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए इन्हें बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। तो ये थी दोस्तों इनकी जो एक जर्नी थी जो मैंने अभी आपको जो है दिखाने की कोशिश करी है, एक कैसे छोटे से टाउन से लेके जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री तक इन्होंने क्या क्या अपना काम किया है ज़िंदगी में, क्या क्या इनकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं और कैसे इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करी है, कैसे इन्होंने IAS की सर्विसेज दी हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।